कौन सा जंत्र है उसका देखा मैं देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं अपने घर से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर। और कहाँ पर आए हुए हैं आप सभी को बताते हैं, एक किरा गया। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं दरभंगा महाराज, दरभंगा में आए हुए हैं। दरभंगा महाराज का जो पैलेस है वहाँ पर आए हुए हैं। एक तरह से ललित नारायण जो मिथिला कॉलेज है, विश्वविद्यालय, यहीं पर आए हुए हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, देखिए यही जो है, आप इस आप लोग जो अभी देख रहे हैं यही है, एक तरह से महाराज का कक्ष बोलिए या इसको कॉलेज बोलिए, यही है। और इसके साथ साथ इधर भी आप लोग देख सकते हैं, इधर भी है पूरा दिखाई दे रहा है, महल टाइप का है, महल तो है ही, बुलाया जाता है कुछ कुछ अलग बात है कि महल ही है। और एक सबसे ज़रूरी बात यह कहना है कि यहाँ पर वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मना है, मना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मना है। यहाँ पर वीडियो शूट करना एक तरह से अलाउ नहीं है, फिर भी हम आए हुए हैं ग्राउंड में, यहाँ पर वीडियो बनाकर आप सभी को दिखा रहे हैं। और अंदर में अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे तो बोल रहे थे वो लोग, और अंदर में जो मंदिर भी है, 3-4 मंदिर है जो घूमने के लिए है, खास करके किस लिए है सूरज कुमार बताएगा। वहाँ पर ज़्यादातर शादी होता है, वहाँ पर हम लोग के जैसे कि बंदे को ज़रूरत है, हम लोगों के लिए जो है ना, क्योंकि हम लोग सिंगल है तो केवल वहाँ पर हम ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि देखा सुनी बहुत ज़्यादा होता है शादी विवाह वाला, जो देखा सुनी होता है, छेका फलदान सब होता है। तो वहाँ अंदर में हो रहा था, लेकिन वो भी वीडियो शूट करना मना था, कोई बोल रहे थे कि नहीं करना है, कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकता है, इसलिए हम लोग छोड़ दिए हैं, वहाँ वीडियो शूट नहीं किया है। एक भी वीडियो आप सभी को अंदर का देखने को नहीं मिलेगा, गलती से यहाँ पर जो एक दरभंगा महाराज का जो स्टैचू था उसी का केवल हम वीडियो बनाए, तो वहीं पर बोलने लगे हैं, इसलिए हम लोग छोड़ दिए हैं। तो यही था पूरा दृश्य, देखिए दरभंगा का। और कोशिश करते हैं कि इधर में जो दिखाई दे रहा है आप सभी को महल, इधर में जो दिखाई दे रहा है यह महल, कोशिश हमारा है कि अंदर में जाकर आप सभी को कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं कि वहाँ पर वह वीडियो बनाने देते हैं या नहीं, चलिए वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग राजा का महल समझिए या कॉलेज समझिए, यह बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में, क्योंकि अपने घर से बहुत दूर आए हुए हैं, घूमने आए थे, मैंने सोचा क्यों ना अंदर चल कर वीडियो बनाए। देखिए अंदर में जाकर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मना था, हम कैसे कैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग किए हैं, वो भी चलते समय रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, अंदर में जाकर रिकॉर्डिंग करते तो वह करने नहीं देते, तो इसलिए हम ऐसे ही चलते चलते सोचे क्यों ना वीडियो बना ले। और यह जो दिखाई दे रहा है अंदर में कुछ होगा, मेरे ख्याल से जो होता है दरबार, राजा का महल कहीं अंदर में होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यही है राजा का महल, लेकिन यहाँ पर तो कचरा उचरा लगा हुआ, भैंसी उसी है, और इधर जंगल है और पानी है, पानी में जो जो जंगल रहता है सो है। चलिए बाहर दिखाते हैं। तो यह है इसका दीवार, जो कि नीचे से लगभग 30 फीट हाइट है, मैंने देखा उसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो है लगभग, यह जो दीवार बना है मेरे ख्याल से 50 इंच जो होता है लगभग 5 फीट उसकी चौड़ाई है, मोटाई, इतना मोटा जो है इस दीवार को बनाया गया है। और ऊंचाई जो है लगभग, मैंने अंदाज़ा लगाया तो लगभग 40 फीट या 30 फीट के आसपास था इसका ऊंचाई, इतना ऊंचा है, क्योंकि राज दरबार था, पहले रहता था यहाँ पर, राजा महाराजा रहते थे, जिसकी वजह से ऐसा बनाया गया हुआ है। और ये पूरा घूमे हैं हम, अभी चारों तरफ चलेंगे आप सभी को दिखाएंगे। और इधर में जो है मंदिर भी है, और यह कॉलेज है, मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वही है। और देखिए यह जो है दोनों साइड से किला था, बोले तो बाउंड्री जो होता है, एक साइड इधर भी है और एक साइड इधर भी है, दोनों साइड में बनाया हुआ था, और दोनों की मोटाई जो है उतना ही थी, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत बेकार लगा, क्योंकि इसके अंदर में वीडियो शूट करना मना कर रहे हुए थे, नहीं करने दे रहे थे, और एक जगह CCTV कैमरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो अंदर में शूट नहीं किया। तो दोस्तों चलते हैं अब अंदर, अंदर में हम पता किए थे तो उन्होंने कहा कि अंदर में जाइए, घूमने वाला जगह जो है बहुत ज़्यादा है, उधर में मंदिर भी है और कॉलेज भी है और उसका राजा का जो है स्टैचू भी है। तो चलते हैं अंदर, चलकर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है में स्वागत किया जा रहा है, और यह सामने जो दिखाई दे रहा है यही है स्टैचू। तो यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं और आप सभी को पूरा दिखा रहे हैं, देखिएगा अच्छे से।
और यहाँ पर बहुत ही बारीकी से हम वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। तो ये सामने में जो है जो गेट दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ पर एक गार्ड साहब थे, वो जैसे ही वीडियो बनाते हुए हमको देख लिए, वह बाहर आए। ये स्टैचू है और यहाँ पर मैंने गाड़ी लगाया, मैंने सोचा कि मैं चलकर मैं फ़ोटो खींचूँ वहाँ पर सामने खड़ा होकर, लेकिन उन्होंने खींचने नहीं दिया। तो उसके बाद हम लोग चलाए श्यामा माई के दरबार में, इधर में मंदिर है जस्ट उसके आगे आए और यहीं पर हम लोगों ने वीडियो बनाया। और चलिए चलकर दिखाते हैं, यहाँ पर हर एक जगह जो है वो वीडियो बनाना सख्त मना था। आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए यही मंदिर है, देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ख़ास करके यहाँ पर शादी विवाह को जो होता है देखा सुनी लड़का लड़की का, वही लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा था। और यहाँ पर तैर रहे थे लोग और नहा भी रहे थे, ये मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लड़की जो है देखा सुनी हो रहा है। और दोस्तों उसके बाद वहाँ पर जितने भी मंदिर थे वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना था, इसलिए अंदर में एक भी वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, एक भी वीडियो नहीं, क्योंकि हर एक जगह लिखा हुआ था और हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा भी था, तो डर लग रहा था हम लोगों को। तो यही था मिथिला का ललित नारायण कॉलेज और दरभंगा महाराज का किला। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।